हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइस डॉक्टर सर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चार्ट देखते हैं अपना 15 मिनट का। आपके सामने ये एक ब्रैकेट है जिसके अंदर निफ्टी लॉक्ड है इस टाइम पे। तो सीधी सी चीज़ है कि ब्रैकेट टॉप पे मार्केट रिजेक्ट हो रही है एंड ब्रैकेट बॉटम पे मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है या फिर उसके नीचे फेलियर्स हो रहे हैं। ये तो क्लियर है, विजुअली सारी चीज़ हमारे सामने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डेली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। आप निफ्टी स्पॉट का देख लो, फ्यूचर का देख लो, जिसका देखना है उसका देख लो। अगर मैं निफ्टी स्पॉट लगाता हूँ तो उसका भी सेम ही बैठेगा, ठीक है। जो देखना है वो देख लो, लेवल नहीं रटने, लॉजिक समझना है, ठीक है। तो अगर हम डेली चार्ट देखें, आपको ना एक चीज़ समझनी है डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। अगर मैं ये सारे एरिया को देखूँ, आप देखो जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो जो बुल्स की स्ट्रेंथ थी ना काफ़ी अच्छी थी। दो कैंडल के बाद कन्फर्मेशन, मतलब एक कंटिन्यूएशन बंद हो गया, क्लियर। जब मार्केट नीचे जा रही थी तो छोटी छोटी कैंडल्स बहुत थी, ठीक है, मूव्स छोटे होते जा रहे हैं। जब मार्केट नीचे गिर रही है धीरे धीरे, यहाँ पर मूव्स बड़े होते जा रहे हैं, ऑलराइट। बट क्या नीचे कंटिन्यूएशन आ रही है? नहीं आ रही। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर गैप डाउन या जो भी रीज़न हो रहा है चक्कर में फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जा रही है, कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है दोबारा, ठीक है। अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे एक चीज़ में, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मार्केट, ठीक है। अब या तो ऊपर फटेगी या फिर नीचे, ठीक है। अब बेयर्स का पावरफुल होंगे अगर एक ऐसी कैंडल मंडे को बन जाती है तो, ठीक है। ये अगर ये बन गया तो उसका मतलब बेयर्स आर हियर और कंटिन्यूएशन बनेगी, क्योंकि एक पैटर्न ब्रेक हो गया। पैटर्न कौन सा है? कंटिन्यू दो रेड कैंडल बड़ी वाली नहीं बन रही है, ये इनको मैं नहीं बोलूँगा, वो छोटी छोटी हैं, एक प्रॉपर बड़ी इस टाइप की कैंडल नहीं बन रही अभी तक। जब बनेगी इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है। अब आप क्या करोगे? आप अपनी पोजीशंस साउथवर्ड, मतलब डाउन साइड पर बनाओगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। आप 15 मिनट पे करते हैं पहले बात। सबसे पहले मैं आपको अपना ट्रेड बता देता हूँ, मेरा ट्रेड क्या था। तो आप ये देख सकते हैं, ब्रैकेट में थे एक, ठीक है। मैं लेट्स डू वन थिंग, मैं ना ऐसे कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो चीज़ें, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ब्रैकेट में है इस वाले के। अब लेट्स डू वन थिंग, हम अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं वो मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे हाई एंड योर प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पिछला दिन एक ट्रेंडिंग डे था, ठीक है। तो अगले दिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि ट्रेंडिंग हो, बट मैं इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर ये पुल बैक आ रहा है, ये वाला पुल बैक आ रहा है, तो कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एज़ पर माई ऑप्शन बाइंग सिस्टम, ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, R1, ठीक है ना, R1 है, ऑलराइट। बाइंग कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर अराउंड 10:30-11 बजे के बीच में मैंने लिखा था कि आपका R1 के पास आपको ट्रेड्स मिलेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट बाय आया था यहाँ पर, स्टॉप लॉस था मेरा इधर, ठीक है। छोटा ट्रेड था, कोई बड़ा ट्रेड नहीं था मेरा, ऑलराइट। मैं सिंपल ट्रेड खेल रहा था उसमें। अब अगर आप ध्यान देंगे, ये क्या बन रहा है? फ्लैग पैटर्न। तो सारी चीज़ें भाई मेरे उसमें हैं, बट यहाँ पर एक और पैटर्न भी बन रहा था, वो क्या था? एम, ठीक है ना, एम पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, ओके, एम पैटर्न भी बन रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या गेम हुआ कि इधर तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये आप देख सकते हैं, इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इधर मैंने एक कॉन्ट्रा पोजिशन बनाई। मैं बहुत क्लियर हूँ कि व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर माय आइडियाज़, तो मैं हमेशा एक स्टॉप एंड रिवर्स खेलता हूँ। इसको ट्रेन आपको अपने आपको ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड जो होता है ना वो फ्रीज हो जाता है जब आपका स्टॉप हिट होता है। तो आपको लगता है आपने क्या ऐसी बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तो उस चक्कर में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा लॉट उठा नहीं पाया था, बिकॉज मैं एक अच्छा और पुल बैक की वेट कर रहा था, और एक मैं इस चीज़ की वेट कर रहा था कि ये आए, एक पुल बैक आया एंड देन एक कैंडल ऐसे बन जाए कि मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी कैंडल आएगी, और यहाँ मेरी क्वांटिटी भी बहुत कम थी। आप लगा लो जितनी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी उठाई थी उसकी भी ऑलमोस्ट हाफ मैंने यहाँ पर उठाई थी। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट एक ब्रैकेट में है, पहली बात। तो ब्रैकेटेड मार्केट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पोजीशंस या तो यहाँ पर अच्छी वाली लूँगा, यहाँ पर लूँगा, या फिर इसके रिजेक्शन पे लूँगा मैं,
ठीक है, बीच में मैं बहुत सोच समझ के खेलूंगा। यहां पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक रिवेंज ट्रेडिंग वाली चीज आई थी, इसलिए मैंने अपनी क्वांटिटी हाफ कर ली। ठीक है, मुझे पता था मुझे कितना नुकसान लेना है, बट एम ये था कि अगर वो नुकसान को भी मैं आधा कर लूँ आज के दिन के लिए, तो इस नुकसान, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं ले रहा हूँ 9,000 रुपये का नुकसान, कल मुझे लेना है 15,000 का नुकसान। फॉर एग्जांपल आज मैंने यहाँ पर लिया 4,500 का नुकसान ही, कल मैं 19,500 का नुकसान टोटल ले सकता हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली या कुछ ऐसा हुआ तो। मैं इस टाइप की गणित अपने दिमाग में रखता हूँ। मैं क्लियर हूँ कि अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं और मुझे 5,000 रुपये फॉर एग्जांपल दिन का मेरे को नुकसान लेना है, तो 20 सेशन में से 1,00,000 से ज़्यादा मेरी कैपिटल नहीं किसी में हिम्मत है कि रिड्यूस कर दे उसे। ठीक है, वॉट एवर हैपन्स, नो वन हैज़ अ पावर टू डू दिस। ऑल राइट, तो ये मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ। तो जिस दिन मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ वो तो सॉर्टेड है, जिस दिन मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मार्केट ब्रैकेटेड है एंड मार्केट में ऐसी मूवमेंट नहीं होगी, उस दिन मैं अपना नुकसान इसको भी आधा कर लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आप बस उस हिसाब से अपने नुकसान पे आप ये चीज़ प्ले कर सकते हैं। तो दिस वाज माय मेन एम। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी मेरी बहुत कम थी, इधर मुझे रीएंट्री करनी थी बट बड़ी कैंडल आ गई तो रीएंट्री नहीं कर पाया मैं। ऑलराइट, तो इसी कैंडल के क्लोज होने से पहले मैं आई वॉज आउट, क्योंकि अच्छा खासा पैसा बना लिया था, नुकसान भी कवर हो गया था ऊपर का, तो इट वॉज सॉर्टेड। ठीक है, अब हुआ क्या था, मैं 5 मिनट में मैंने शिफ्ट नहीं किया था अपने आप को। अगर 5 मिनट में मैंने शिफ्ट किया होता तो मुझे यहाँ इसके अराउंड एक एंट्री मिल जाती, इधर आई कुड हैव गॉट एन एंट्री। एंड समवॉट इधर मैं देख रहा था कि एक ऐसी कैंडल आ जाए, ठीक है ना, अगर एक ऐसी कैंडल आ जाती तो उसका मतलब क्या होता कि मैं एक शॉर्ट यहाँ बना सकता था, बट ये बड़ी कैंडल आ गई तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं था। तो बस इतना मेरा ट्रेड था और कुछ नहीं था। ठीक है, ये एक चीज़ और, मेरे कुछ जो फेवरेट ट्रेड्स हैं जो मैं हमेशा देखता हूँ, R1 के पास बाइंग और R1 से ही सेलिंग, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। ठीक है, S1 पे, S1 के नीचे सेलिंग, ठीक है, और S1 से ही बाइंग। ठीक है, तो ये मेरे दो मूव्स बहुत फेवरेट हैं जो मैं यूज करता हूं। एंड रिजेक्शन वाले जो ट्रेड्स होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि मैं एक चीज समझाता हूं कि जब आप बाइंग करते हो तो आपका दिमाग, R1 ब्रेक हुआ तो जाहिर सी बात है मार्केट R2 जाएगी, R3 जाएगी, R4 जाएगी, ऊपर जाएगी। बट अगर मार्केट ऐसे रिजेक्ट हो जाए उसके बारे में कोई सोचते नहीं है, फेलियर के बारे में कोई नहीं बात करता ना, लोग तो सक्सेस के बारे में बात करते हैं। और रिटेल का माइंडसेट कैसे चलता है, सक्सेस के हिसाब से, फेलियर नहीं देखता वो, अपनी गलतियां नहीं देखता। ठीक है, तो यहां पर अगर इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग तो व्हाट डू यू डू, यू स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, बस अपनी क्वांटिटी हाफ कर लो, बट इस टाइप के ट्रेड्स लेना सीखो। जब तक इस टाइप के ट्रेड्स नहीं लोगे, कॉन्ट्रा नहीं खेलोगे ना मार्केट्स के अंदर, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये इस चीज़ को मेरे को अपने आप को ट्रेन करने में कम से कम 2-2.5 साल लग गए थे, अपने माइंड को सेट करने के लिए कि जब भी ऐसा कुछ होगा मैं ट्रेड्स लूँगा ऐसे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, दिन में 2 से 3 एंट्री लेनी है, बट अगर ऐसा कुछ होता है आई विल गो एंड टेक माई एंट्री। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि हम कल मंडे को क्या देख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स शिफ्ट आर प्रीवियस डे हाई टू हियर एंड प्रीवियस डे लो टू हियर। ठीक है, अब बहुत बड़ा मूव आया है यहाँ पर, तो उसका 50% एक बार हम अपने पास निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, अब पूरी दुनिया बैरिश है, अब बुलिश नहीं है अभी कोई, बैरिश है सबके सब। ठीक है, तो अगर मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेड किया 17,250 के ऊपर, अगर मार्केट ने ट्रेड किया एटलीस्ट फॉर 1 आवर, या वी वैप के ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, कुछ भी ऐसा किया, तो सीधी सी बात है जितने लोग यहाँ पर, जितने लोगों ने एंट्री की है, दे विल बी स्कैर्ड एंड दे विल बी आउट। और जैसे ही वो अपना स्टॉप लॉस कवर करेंगे मार्केट में एक बड़ी कैंडल आ जाएगी। ठीक है ना, ये कैंडल क्यों आई है, ये वाली कैंडल क्यों आई है, ये वाली कैंडल इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर बुलिश थे लोग, जैसे ही इट वॉज टेकन आउट, ये देख रहे हो कितने सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। जब भी बड़ी कैंडल आती है वहाँ पर लोगों के मल्टीपल लेवल पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ठीक है ना, आप लगा लो कि एक लाइन में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो जब भी एक लाइन में स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑपोजिट पार्टी ट्रिगर हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ 250 हमने लेवल बताया, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, एंड अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ।
ये जो मूव है ना 1780 से लेके 17,000, ये ना बेसिकली एक नो ट्रेड जोन है। आई टेल यू वाई, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ आया है सपोर्ट। सो ये मूव काम नहीं करेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट अटकेगी। और अभी 50-60 पॉइंट के लिए अगर प्ले कर रहे हो तो बात अलग है, बट मैं नहीं करता हूँ। मुझे नीचे अच्छा मूव चाहिए होता है कि मैं कंफर्टेबली प्ले कर सकूँ, ठीक है? मुझे पता रहे कि देखिए प्रेशर डाउन साइड पर ही है, बट इधर कोई भी आ सकता है। जब एल्गोज ये बेसिकली एल्गो जब अपने प्लेस करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉप सेट होते हैं लोगों के। एल्गो कुछ भी कर सकता है, एल्गो को पता है कि लोग ये वाली गेम खेलते हैं, R1 के ऊपर बाय करते हैं, S1 के नीचे सेल करते हैं, ठीक है? जो ये काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता, ये काम करता है, ठीक है? बट ये लोग रिवर्सल्स भी प्ले करते हैं आप लोगों के, आपके दिमाग के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर भी एल्गो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ओपन रखो अपना माइंड, क्लोज मत करो उसको, ठीक है? तो आई हैव टोल्ड यू दिस 50%, 250, 17,250, दिस इज़ योर लेवल, एंड 17,000 ये लेवल है जहाँ पर हम प्ले करेंगे। ऑल राइट, 17,250 एंड 17,400 ये एक लेवल है जो हमारी, 17,400, 450 ले लो आप, 450, ठीक है ना, जहाँ पर हम बाइंग करेंगे। एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं, मार्केट अगर गैप अप खुले और एक रेड कैंडल आ जाए इस लेवल पे 250 से नीचे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप करोगे शॉर्ट, आपको हायर लेवल पे शॉर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या करना है अपने शॉर्ट का, या फिर यहाँ देख सकते हो। तो यू स्टिल हैव कि 150, 200, 250 पॉइंट होंगे आपके पास, 200-250 पॉइंट्स के लिए प्ले फिर भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। तो तीन आपको एरियाज दे दिए, 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी 4 एरियाज, ठीक है? ऊपर नीचे एंड यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों ट्रेड बन सकते हैं, इधर भी ऊपर नीचे बन सकते हैं। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, 17,000 पे देर इज़ अ बाय, इसके नीचे देर इज़ अ सेल, ठीक है? तो 1, 2 एंड देन 250, इसके ऊपर देर इज़ अ बाय, गैप अप अगर हुआ और यहाँ से रिजेक्ट हुआ 250 से, तो देर इज़ अ सेल, ठीक है? 400 के ऊपर बाय, एंड 400 से अगर फिर ऐसा कुछ हुआ या ज़्यादा टाइम लगाया ब्रेकआउट करने में, तो देन देर इज़ अ सेल, ठीक है? बस। तो आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यू हैव 6 गेम प्लान्स। इफ एनी, अगर यहाँ खुलती है, 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 कुछ नहीं करना, ठीक है? 250 के पास होना चाहिए अगर आपको अपने ट्रेड्स लेने हैं तो। क्लियर, ठीक है? तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है? बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेड ही था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर, एक सेकेंड यार, ये ले लो आप, ठीक है? अगेन सेम ब्रैकेट में है मार्केट्स, ठीक है? ब्रैकेट के बाहर जाने की कोशिश की, 15 मिनट कर लेता हूँ, ब्रैकेट के बाहर जाने की कोशिश की मार्केट ने, ओके, दोबारा एम पैटर्न बनाया है, ये तो क्लियर है। अब एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे देश में ना लोगों को प्रिडिक्शन करने की आदत है, ठीक है? हाथ देख के किस्मत बताना, तो लोगों के दिमाग में भी ना ये सब चीज़ें आती हैं कि यार जब मार्केट ने इधर फेल ही होना है, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर जा चुकी है फिर यहाँ ऐसे जा रही है, ये तो एम पैटर्न बन रहा है। बना तो नहीं ना अभी, बन रहा है ना अभी, ठीक है? तो मैं इधर बाय क्यों करूँ? अब मान लो अगर मार्केट यहाँ ऊपर ऐसे चली जाए, फिर आप यहाँ बाय करोगे, फिर आप बोलोगे यार तो बहुत ऊपर बाय हो गया, ठीक है ना? 36,800 एंड योर स्टॉप इज समवेयर समवॉट एट 36,600, 200 पॉइंट का स्टॉप, तो क्यों नहीं बनता, ठीक है? और अगर आप इधर एंट्री लेते हो, ये 36,700 है और इधर आपका स्टॉप लॉस 36,600, 100 पॉइंट्स, गुड इनफ। और अगर आप इन द मनी ऑप्शन पे लोगे, ठीक है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट इन द मनी, अगर 200 पॉइंट आप इन द मनी ऑप्शन पे लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 60 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर फ्यूचर भागेगा 100 पॉइंट तो ऑप्शन भागेगा 50 पॉइंट, ठीक है ना? तो अगर ऑप्शन नीचे जाएगा तो ये जो प्राइस होगी ना जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगना है, वो भी जितना आपका फ्यूचर में होगा ना उसका आधा ही होगा, आधा या फिर उसका, जैसे अगर आपका 100 है तो वो होगा 60 पॉइंट्स का, सेम नहीं होगा कभी भी, ठीक है? तो आप कैंडल पे देखा करिए हमेशा, कैंडल पे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? तो ये हो गया। अब इन लेवल्स पे
अगर आप बाय कर रहे हो, देखो आपको रिवर्सल समझने के लिए, लोग मेरे को लिखते हैं चैट्स में एंड ईमेल पे कि सर हम फेक ब्रेकआउट्स होने से पहले कैसे समझ जाएं, कैसे हम पता लगाएं कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है ना। आप प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हो, नहीं पता चलेगा किसी को भी भाई कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है। या तो आप साइडलाइंस पे पूरी ज़िंदगी बैठे रहो और दूर से कमेंट्री करते रहो, या फिर आप प्ले कर लो। यहाँ पर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, हार्डली 50-60 पॉइंट का, कम क्वांटिटी में खेल लो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगाओ इधर, अगर ये हिट होता है इधर आप अपना रिवर्सल ट्रेड ले लो और स्टॉप लॉस वापस इधर लगा लो अपना। अगर आप इधर लगाते हो 100 पॉइंट का, आपने इधर स्टॉप लॉस खेल लिया, स्टॉप 100 पॉइंट का आप इधर खेल लो, इधर आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। अगर आप फ्यूचर में भी प्ले कर रहे हो तो आपका क्या हुआ, इधर एक स्टॉप गया, इधर एक स्टॉप गया। अगर दोनों तरफ स्टॉप जाता है तो आप क्या करोगे, आउट फॉर द डे, आज मेरा दिन ही नहीं है, बात खत्म, बस सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। बस ये लोग कर नहीं पाते हैं, ऑल राइट। आपको इतनी सी चीज़ करनी है, रिजेक्शन हो रहा है इस ब्रैकेट के बाहर, ये देखो आप यहाँ तक, यहाँ पर क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ, मार्केट नीचे गई, मार्केट ऊपर आई, एक और रिजेक्शन हुआ, मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो गई। जैसे ही मार्केट इसके नीचे गई, मतलब क्या है, ये मूव इज ऑफ, ठीक है ना। मार्केट क्या बना रही है, लोअर हाईज, ठीक है, हाई लोअर हाई, क्लियर। यहाँ पर आपका ट्रेड आता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक ही जाएगा, बट कुछ तो मिलेगा आपको, ये टारगेट मिल जाएगा आपको, दिस वॉज अ गुड टारगेट, ठीक है ना। बस सीधी सी चीज़ है, बट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपकी एंट्री 500 के पास थी, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 350 तो मिलता ही, 150 पॉइंट्स तो फिर भी आ रहे थे आपके पास, ठीक है। इतना लंबा चलो नहीं देख रहे हम, बट इतना तो फिर भी आता है, ओके। एक आदत सीख लो स्टॉप एंड रिवर्स की, स्टॉक से सीख लो, निफ्टी 20 से सीख लो, बैंक 20 से सीख लो, अगर ऑप्शंस ज़्यादा लगते हैं तो, बट इस आदत को सीखो, लगेगा 3-4 महीना, 5 महीना, साल भर में भी, बट अगर ये आदत सीख ली ना, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। वीडियोस लंबी मेरी थोड़ी सी इसलिए होती है बिकॉज आप लोगों के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं कवर कर सकूँ, ओके। तो ये हो गया गाइज, सो ट्रेडर्स अब लेवल देख लेते हैं हम लोग अपने, ठीक है। ब्रैकेट हमारे सामने एंड जो ट्रेड है वो ब्रैकेट के जस्ट पास में ही है, ऑलमोस्ट आपका 200 पॉइंट्स दूर है ये जो ब्रैकेट का लो है। तो प्रॉबेबली ये मैं एक एरिया रखूँगा जो आता है आपका 35,800 टू 850 के बीच में, ठीक है। आपका ये एक लेवल है 36,600 का, क्लियर। अब एक काम कर लेते हैं, एक बार ना हम लोग इस ब्रैकेट का ही 50% ले लेते हैं यार, इसका ब्रैकेट का 50% कहाँ आ रहा है, 234 कुछ है इसके आसपास। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया, क्लियर। तो आप ये चीज़ देख लो, इसके ऊपर अगर कुछ होता है, ठीक है, तो हम सोचेंगे, बट क्वांटिटी कम रहेगी। मेन आपका ट्रेड यहाँ रहने वाला है और यहाँ रहने वाला है। ये जो बीच का ट्रेड है ना, ये बहुत कम क्वांटिटी पे होगा, ऐसी क्वांटिटी पे होगा कि आप प्रिपेयर्ड हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये उनके लिए जिनको खुजली बहुत ज़्यादा है कि ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है, नहीं तो मैं तो इधर या इधर ही लूँगा। सो ट्रेडर्स कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो मैं देख रहा हूँ। तो द फर्स्ट वन इज़ योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो ट्रेड बन रहा है वो क्या है, वो एक बेरिश एनगल्फिंग है, ये तो क्लियर है। अब एक काम कर लेते हैं, जो मार्केट्स में इम्पॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एंड उसके बाद अगर मैं इधर देखूं, क्योंकि बड़ी कैंडल आई थी यहाँ पर, एक ये है, ठीक है। तो अब मेरा ट्रेड कहाँ पर आएगा, मार्केट बंद हुई है 496 पे, तो बेसिकली 490 के नीचे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, अच्छा डाउन साइड के लिए, इवन स्विंग भी मैं प्ले कर सकता हूँ 490 के नीचे, ठीक है। अगर मार्केट दो रेड कैंडल दे दे इस टाइप की, ठीक है, तो मैं स्विंग भी प्ले कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर लग सकता हूँ, ठीक है, समवॉट 500, 500, 5 या 4 ऐसे करके मैं प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा ट्रेड है और इंट्राडे तो मैंने आपको बता ही दिया कि 490। अब देखिए मैं इंट्राडे पे लेके आ जाता हूँ एक बार, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर, ये देखो आप
अब व्हाट हैपन्स इज कि इसके नीचे 494 के नीचे अगर हम शॉर्ट लेंगे तो बस ये रहा सपोर्ट, तीन चार पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं किस चीज़ की वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट एक बार इसके नीचे आ जाए, उसके बाद मैं एक ट्रेड लूँगा। ठीक है, एंड मैं इस चीज़ पे प्रिपेयर्ड रहूँगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, तो उस हिसाब से मैं क्वांटिटी खरीदूँगा। क्योंकि जब तक मैंने क्या बोला, कन्फर्मेशन नहीं होगी, दो रिपीटेड कैंडल्स नहीं आएंगी बड़ी वाली डाउन साइड पे, जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगा। एक आ चुकी है जो कि ये है, एक और आनी है, उसके बाद आपका गेम क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रेड अच्छा बन सकता है, काफ़ी अच्छा ट्रेड। तो जो अगला ट्रेड है हमारा वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अब अदानी एंटरप्राइजेस में ना बेसिकली इंट्राडे की बात हो रही है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही अभी। हमने यहाँ पर क्लोज दिया है, क्लियर, इस लेवल के नीचे, इस कैंडल के नीचे क्या होगा कि जो लेट बुल्स आए ना, इनके स्टॉप सेट होंगे, तो क्या होगा, ये लोग कवर करेंगे तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, ये लेवल क्या आता है, 2300। तो 2300 के नीचे मज़ा आएगा। ठीक है, तो 2300 का ध्यान रखना। अब अगर मैं 20, ये रहा आ गया, आप ऐसे देख लो, क्लियर है, जैसे लास्ट लो गया, जैसे मार्केट इस लास्ट लो के नीचे ट्रेड करेगी, आप क्या करोगे, आप शॉर्ट करोगे, और आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लेवल जो आता है 2240 से 2230 के बीच में, तो 60 पॉइंट्स का आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें अपना R1 R2 पिवट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इस टाइप के मेथड्स हैं इसमें मैं अपने इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी नहीं लगाता हूँ, बिकॉज मैं पहले से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। जब मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलते तब मैं यूज़ करता हूँ क्या, प्राइस एक्शन। ठीक है, मतलब वो जो स्ट्रैटेजी मैंने इंट्राडे वाली बताई है वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा होता, अभी मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मुझे लेवल्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो इनके नीचे आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, तो दो ट्रेड्स हो गए आपके। ठीक है जी, तो जो नेक्स्ट ट्रेड रहने वाला है वो है रिलायंस। सीधा ट्रेड है आपके सामने, आप ये देख सकते हैं, टॉप पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है। ठीक है, अगर 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं, एंड यहाँ पर लेवल्स देख लेते हैं, ये रहा जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट दे सकता है हमको, वो ये है, वो है आपका बेसिकली 2750 के नीचे आपको ट्रेड मिल जाएगा अच्छे वाला। ठीक है, जहाँ से मार्केट अच्छा खासा लेवल दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप प्ले करोगे तो मार्केट विपसॉ करती रहेगी, इस विपसॉ में नहीं खेलना हमको। अगर कल मार्केट डाउन खुलती है ड्यू टू वर्ल्ड मार्केट्स, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर गैप डाउन ही होगा। ठीक है, तो अगर गैप डाउन यहाँ पर होता है इस लेवल पे, तो ये जो बायर्स हैं जो ग्रीन आए हैं ये भी कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लोग यहाँ पर थे या यहाँ पर थे स्विंग के लिए प्ले किया, वो भी कवर करेंगे। तो जैसे ही वो कवर करेंगे एक बड़ा बार आएगा, बड़ा बार आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी शॉर्ट करने की। ठीक है, टारगेट क्या होगा, तो 2650 के नीचे आपका टारगेट आता है 2670, बस इतना सा ट्रेड है। तीन स्टॉक आपको मैंने बता दिए, इन पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको एंट्रीज मिलेंगी इस पे। ठीक है, तो दिस इज़ इट, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, यू इफ यू लाइक द एनालिसिस, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी मैं थोड़ा सा आई विल बी आउट विद माई फैमिली, सो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो के ड्यूरेशन आपके एक्सटेंड होंगे, बट मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि कुछ वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड कर लूँ, एंड देन उनको मैं अपना यू नो ट्रिप पे थोड़ा सा एडिट वेडिट कर लूँगा एंड प्रेजेंट कर दूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो वीडियोस आएंगी जैसा मैंने प्लान किया है, उस टाइप से वीडियोस आएंगी, एंड आपकी कोर्स वीडियोस भी आएंगी। थोड़ा सा डिले रहेगा ड्यू टू माई ट्रैवल प्लान्स, बट जो है सब आएगा। ऑल राइट, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिए, जिससे ये डिटेल्स आपसे मिस ना हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।